द लॉर्ड, मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मेरे मसीह भाई बहनों, वो वचन जो आपके जीवन दे सकता है, जो आप जो स्वतंत्रता आपको जो छीन गई है, जो हर वक्त आप रो रो के जीवन को काटते हैं, हर वक्त आप चिंताओं में गुजरते हुए काटते हैं, हर वक्त आप बीमारियों से गुजरते हैं और हर समय सोचते हैं कि यह परेशानी, ये चीज हमारे जीवन से कैसे हटेगी। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही आशीष भरा है। इस वचन से आप परमेश्वर का बहुत ही आशीष पाएंगे। आइए सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें सभी लोग। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जो भी मैं वचन को शेयर करने जा रहा हूँ खुदावन खुदा, वो आपकी ओर से होना पाए पिता परमेश्वर। और इस वचन को सुनकर जितने भी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब आशीष पाना पाए पिता परमेश्वर, और जीने का एक नए राह और एक ताकत इनको मिलना पाए। बीमारियों में भी पिता परमेश्वर, गरीबी में पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति जिनको खराब है, वो भी इस वचन को सुनकर एक नया सामर्थ्य और बल पाते हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद करना पाए। खुदावन खुदा, हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अय्यूब के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था, जो आज आप हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, वो धर्मी मनुष्य जो परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन पर चलता था और परमेश्वर के हर एक आज्ञा को मानता था। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, वो धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर ने एक दिन उसको शैतान के हवाले कर दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम जानेंगे, जब उसके पास जो काफी धन था, बीवी थे, बच्चा था, जब उसके जीवन से हट गया, तो वो मेरे मसीह भाई बहनों, वो एक सड़क पर आ गया, वो एक रोड पर आ गया। आइए हम परमेश्वर के वचन पे जानते हैं। वहां पे लिखा हुआ है अय्यूब पहला, उसका 21 वचन। जब वो रोड पर आ गया, तो मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो जो है बहुत ही आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है, ये वचन। जी हाँ, जो वचन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया हूं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप अपनी माँ के पेट से नंगा आया हूं और वही नंगा चला जाऊंगा, यानी वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया, यहोवा परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज हर समय, हर वक्त, हर टाइम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना नहीं पूरी होती है, वो दिल से प्रार्थना करते हैं, वो उनकी प्रार्थना नहीं पूरी होती है, तो वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, वो भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस दिन आप अपनी परिस्थितियों से जीना सीख जाइएगा और हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा, तो आप तुरंत आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। अय्यूब जब था, अमीर आदमी, बहुत ही रिच आदमी था, कई बैल बकरियां और जमीन जायदाद बहुत सारे से थे, जब वो सब उसके पास से चला गया, खत्म हो गया, तो परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने क्या लिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, और वो गरीबी स्थिति में, वो दुख भरी जिंदगी में, वो अपने आप को उसी में ढाल लिया और वो जीना सीखा। जी हाँ मेरे मसीह भाई, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं कोसा, परमेश्वर को कभी भी बुरा
नहीं किया। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि कोई काम आपसे नहीं होता है, यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती है, फिर भी उस परिस्थिति में आप जीना सीखिए। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस समय आप उस परिस्थिति में जीना सीख लीजिएगा तो शैतान जो है मेरे मसीह भाई बहनों, वो जलेगा, वो घबराएगा कि मैंने इसके जीवन में क्या कुछ नहीं किया, कितना गड़बड़ी कर रहा हूं, फिर भी देखो ये परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा। जिस तरह से अय्यूब के जीवन में शैतान जब आया, जब उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लाया और उस गरीबी स्थिति में सारा बेल बकरियां बीवी बच्चे सब छोड़ के चले गए, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और शैतान देखिए वो कितना जला, वो कितना मतलब कुर रहा होगा उस समय, कितना सोच रहा होगा कि ये कैसा मनुष्य है कि इतना बुरा करने के बाद, इतनी बुरी स्थिति में लाने के बाद भी देखो ये क्या कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, क्योंकि अय्यूब वो जानता था कि मैं माँ की पेट से नंगा आया हूँ, मेरे पास ये धन दौलत कुछ समय के लिए है, मेरे पास ये रुपया पैसा कुछ समय के, लेकिन मैं नंगा आया हूँ और नंगा ही चला जाऊंगा, ये पैसे ये धन दौलत मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। क्योंकि जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी परिस्थितियों में, अभी बीमारियों में, अपने आपकी बीमारियां जो हैं, जो आपकी गरीबी है, जो आपकी परेशानियां जो हो रही है, कितनी भी तकलीफें हो रही है, काम नहीं हो रही है, कोई बात नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और वो परिस्थितियां दूर होगी। लेकिन उस परिस्थिति में मुस्कुराइए और हंसिए और अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि चिंता करने से आप एक घड़ी भी अपना आयु नहीं बढ़ा सकते, ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। जी हाँ, चिंता करके कोई भी मनुष्य अपने एक घड़ी की आयु की समय नहीं बढ़ा सकता, और वो क्या कर सकता है, वो घटा सकता है। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, आपकी बीमारियां हैं, आप चिंता में डूबे हुए हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप चिंता में डूबे हुए हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी आप चिंता करते जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और अपने जीवन की जो आपको जीना 60 साल है, वो आपकी आयु घटते हुए आप 40 तक ही सेवा, आप 40 तक ही आपका जीवन खत्म हो जाता है और आप मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बात पे, हर समय आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और हर समय हर बात पर खुश होना रहिए, अपने आप को खुशी महसूस कीजिए कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ। जब मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप पैदा होते माँ के गर्भ से आप रुपया पैसे लेकर आए थे, जेवरात लेकर आए थे, सोना लेकर आए थे, कुछ ऐसा चीज लेकर आए थे? नहीं, सिर्फ नंगा आए थे, यहाँ तक अपना वस्त्र भी पहनकर नहीं आए थे। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं है। हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और शैतान को जलाइए खुश होकर। जी हाँ, जब आप खुश होइएगा, आनंदित होइएगा, मगन होइएगा और उसमें जीना सीखेगा, अपनी गरीबी परिस्थितियों में जीना सीखेगा, एक ताकत बल आपके आएगा तो आप आशीष पाएंगे। और जब आप आशीष पाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी और यहोवा परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा। फिर आप कहिएगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर का आशीष पाया है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन था। इस वचन से मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज से खुश रहना सीखेंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे, आमीन।